कभी कभी कुछ स्पेशल खाने का भी दिल करता है। पर देखिए, दाल चावल जो है वो तो रोज़ खाते ही हैं, लेकिन उसके साथ में थोड़ा सा कुछ अलग हो जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें मेहनत भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, ऐसा क्या हो सकता है जो फटाफट हो जाए, ज़्यादा मेहनत ना लगे, तो देखते हैं। और ये मेरे पास पैन, और ये लीजिए तेल डाल लिया। और अब ये जो रेसिपी है इसको बनाने के लिए कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी भाई, देखिए। लेकिन तैयारी में प्याज, और प्याज को ये थोड़ा मोटा मोटा, और आप देखेंगे ये जो रेसिपी है सिंपल रेसिपी है लेकिन टेस्ट में बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। टमाटर ले लिया, और टमाटर को भी इसी तरह से छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो ये टमाटर, तेल गरम हो जाए तो प्याज जो है उसको तो इसके अंदर डाल देता हूँ, ये लीजिए। उसके साथ साथ ये मशरूम भी इसमें पका लेंगे, और ये मशरूम थोड़े फटाफट पक जाएं इसके लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। तो ये इसको पकने देते हैं। थोड़ी कैप्सिकम ये भी ले लेते हैं, इसको भी काटना है मुझे। एक तरह से आपने देखा होगा जब सब्जियों को इकट्ठा बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ती है कि भाई सब्जियां जो हैं किस तरह से कितना समय लेती हैं पकने में, उसके हिसाब से डालते हैं। जैसे इसमें हमने प्याज और मशरूम जो हैं वो पकने में थोड़ा सा ज़्यादा समय, तो इसको इसमें डाल दिया, नमक भी डला हुआ है। अब ख़ास तौर से जब घर में कोई आता है ना तो थोड़ी सी स्पेशल चीज़ बनानी पड़ती है, लेकिन उसमें स्पेशल में अब ख़ास तौर से अगर नॉर्थ में देखें तो पनीर एक ऐसी चीज़ है कि घर में कोई आ रहा है पनीर को तो कुछ बनाना ही पड़ेगा, और पनीर का वही सारी चीज़ें बनाने में बोर हो जाते हैं। तो इसलिए ये एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन तो नहीं है, लेकिन आज के बाद हो जाएगा जब आप इसको घर पे बनाएंगे ट्राई करेंगे तो क्लासिकल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको कहा कि क्रीमी टेस्ट भी है पनीर का है, सब्जियों का टेस्ट भी है, मशरूम भी है, पाइनएप्पल, अगर जो कच्चा हुआ पाइनएप्पल है और पनीर इस तरह से दोनों आपस में मिल जाए तो कई बार वो कड़वा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पनीर है इसमें ऐसी कोई टेंशन नहीं। और इसको भी काट लेते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये चीज़ें डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। देखिए कैसे इसमें मॉइस्चर आ गया है, कोई पानी नहीं डाला। ये इसके अंदर अदरक की पेस्ट, और ये लहसुन की पेस्ट, ये आप फ्रेश खुद बना के डाल सकते हैं। और अब इन चीज़ों को बढ़िया से खुशबू आनी शुरू हो गई मसालों की, और फिर इसके अंदर ये जो हमारे पास सारी चीज़ें हैं इसको फटाफट डाल देते हैं। कैप्सिकम, टमाटर, और ये पाइनएप्पल, इसमें थोड़ी सी खटाई डालनी है, और ये है मेरे पास टोमेटो प्यूरे, ये हो गया, इसे मिक्स कर लेते हैं। मशरूम और पाइनएप्पल, कैप्सिकम, टमाटर के साथ में, और अब ये पनीर, बहुत ज़्यादा इसमें पनीर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर वैसे हमने जो मशरूम है पाइनएप्पल है वो खूब डाला है। और अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, घर का बना हुआ हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये हो गया, और फिर इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसको परों से इसी तरह से गर्मा गर्म, गर्मा गर्म चपाती हो, थोड़ी सी दाल हो, और ये सब्ज़ी हो, बस पटेल रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं है।